नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रविवार को भिवानी में आए 9 कोरोना पॉजिटिव केस। जिले भर में रविवार को कुल 10,109 घरों में 50,884 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। इसमें गांव भुलटाना से 5 तथा एक व्यक्ति खरकड़ी सोहान से तथा एक दुल्हेड़ी व एक जमालपुर से तथा एक भिवानी शहर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमें गठित करके कोरोना पॉजिटिव केस वाले क्षेत्रों के सर्वे किए गए और आसपास के लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई। रविवार को जिले से 120 सैंपल लिए जा चुके हैं। भिवानी में कोरोना पॉजिटिव के 59 एक्टिव केस हैं। कोविड-19 के इंचार्ज राजेश कुमार ने कहा कि जिले में रविवार को 9 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि गाँव खरकड़ी सोहन से 26 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह व्यक्ति CHC तोशाम में पाए गए एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया था। वहीं भुलटाना में 40 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये भी CHC तोशाम के संपर्क में आया। भुलटाना में 19 वर्षीय, 27 वर्षीय तथा 23 वर्षीय और 60 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये चारों जिनमें से 3 पुरुष हैं और 1 महिला है, पहले गाँव से ही एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए। इन सभी के सैंपल 6 जून को लिए गए थे। वहीं दुल्हेड़ी में 30 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पाया गया और जमालपुर में 24 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये सभी तोशाम में पाए गए PSC के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। वहीं भिवानी शहर के हालू बाजार में 40 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पाया गया और रिपोर्ट के अनुसार इसकी भिवानी शहर में कपड़े की दुकान है। ये 15 दिन पहले दिल्ली से आया था और पिछले 5 दिन से इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं पल पल भिवानी से विशेष रिपोर्ट। हेलो सर, भिवानी में कितने एक्टिव केस मिले और अगर आंकड़े की बात की जाए तो कितने टोटल हो गए आप? आज की बात की जाए तो हमारे पास 9 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 5 लोग भुलटाना गाँव से हैं, 1 बुलेड़ी गाँव से, 1 खरकड़ी सोहना तोशाम के पास और 1 लोहर बाजार भिवानी से। और टोटल केसेस, एक्टिव केसेस की बात की जाए तो भिवानी में एज ऑफ नाउ 59 केसेस हो गए हैं हमारे। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए हैं? लोहर बाजार वाले की दिल्ली की हिस्ट्री है और जितने भी इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है दुलेड़ी से हैं, जो नरेश कुमार, इनकी सभी की हमने हिस्ट्री जांची है तो गुड़गांव और दिल्ली की हिस्ट्री ही बताई है और क्लोज कॉन्टैक्ट्स ऑफ पॉजिटिव केसेस। तो सर ये ज़्यादा से शहर के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कोरोना पहुँच रहा है? अभी ग्रामीण में भी पैर पसारने लग रहा है, लोगों को सावधानियाँ बहुत आती है, सावधान होकर काम करने और जागरूक बनकर काम करने की ज़रूरत है। सर महिला की बात करते हैं, महिला की आज की हमें एक महिला कृष्णा नाम की भुलटाना गाँव से है, वो पॉजिटिव आई। सर अगर इसी प्रकार केस बंद कर दिया जाए? हमने अपनी तरफ से पुख्ता व्यवस्थाएं की हुई है, फिर भी लोगों को बहुत ही जागरूक और समझदार बन के काम करने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने की जरूरत है। लोग जागरूक बने, भयभीत बिल्कुल ना रहें। इनको जरूरत हो, सिर्फ सिम्टोमेटिक हो, वही हॉस्पिटलों में आके सैंपल करवाएं, बाकी लोग हॉस्पिटलों में बेफालतू ना आए ताकि संक्रमण का खतरा वहाँ ज़्यादा बना रहता है तो लोग संक्रमित ना हो। थैंक यू।